तो 23 साल में मुझे आज पहली बार पता चला कि हमारे साथ देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आज मैं जा रहा हूँ जंगल बचाने के लिए। तो अभी मैं MPT आया हुआ हूँ अमरकंटक के। वैसे तरुण भी आज मेरे साथ चल रहा है, क्या होने वाला है आज? अनुभव होगा हम लोग का। क्या आप कहाँ से आए हैं? मैं सैपुरा डिंडोरी से हूँ। अच्छा भैया, नर्वदेहर आप कहाँ से आए हैं? मंडला डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक नानगंज से, ग्राम पटेहरा से आया हूँ। अभी दिनेश भैया डिटेल निकाल के हमको बताएंगे पूरा अच्छे से। तो समग्र नर्मदा और जलवायु पर्यावरण मंत्रालय केंद्र सरकार का जो है उसके साथ जो ज्वाइंट वर्कशॉप यहाँ होने वाला है। तो 4 बजे तक हम लोग को आज, हाँ, 4 बजे तक आज नहीं, हाँ, आप 3 दिन तक। अच्छा, 3 दिन तक हम यहाँ रहेंगे, लगड़ा जाएगा। और अभी मुझे बैग भी मिल चुका है और मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया और मैं और तरुण अब निकलेंगे यहाँ से IGNTU। ये वाला बैग मिला है नर्मदा समग्र प्रकृति रक्षति रक्षिता को। अभी अमरकंटक से अमरकंटक की यूनिवर्सिटी IGNTU यूनिवर्सिटी जाना है जो कि लगभग 25 किलोमीटर दूर है। लोग पहली बार बस्ता लेके कॉलेज आए, हमारा बचपन से मन था इस कॉलेज में पढ़ने का लेकिन हम लोग कभी एडमिशन नहीं मिला। तो पता नहीं ये कहाँ पास है। और यहाँ सब कोई आ रहे हैं और तीर्थ नायकम नक्ष नक्ष नक्र चक्र चक्रवार्ति सर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। मैक्सिमम जो कई जगह पे सीमेंट का ज्यादा यूज हो रहा है जिसके कारण जमीन पे पानी जा नहीं पा रहा है। तो अभी हम लोग सेशन करके निकले हैं, अभी हमारी चाय चल रही है। चाय कार्यशाला का आज पहला दिन था और आज हम लोग को पता चला कि जंगल में आग कैसे लगती है और उसको कैसे बुझाना है। अब कल हम लोग जंगल जाएंगे, आग आपको बुझा के दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो आज हमारी कार्यशाला का दूसरा दिन है और तो ये अमरकंटक का हॉलीडे होम्स है और कार्यक्रम जो है वो यही चल रहा है। गाँव में मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा है दूर दूर तक, शायद उन लोग कहीं चले गए। मैं रिसेप्शन में बात किया तो वहाँ भी नहीं पता चल पाया कि कहाँ गए हुए है अभी पूरी टीम जो है नर्मदा समग्र की। बाकी अब देखते हैं, पता करते हैं, कोई कॉल भी नहीं रिसीव कर रहा है क्योंकि हो सकता है सब कार्यक्रम में होंगे। इसलिए देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो नर्मदा समग्र की टीम जो है उसने ग्रुप में बताया था और यहाँ हॉलीडे होम्स में नाश्ता था तो हम नाश्ता भी चुक गए और गलत जगह आ भी गए थे। तो हम अभी अमरकंटक के सर्किट हाउस पहुंच चुके हैं और यहाँ मेरे को दिनेश भैया की बाइक भी दिख गई है और वो देखिए वो गाड़ी भी दिख रही है, रेस्क्यू व्हीकल। तो हमको भी भैया मिल गए हैं तो हम तुरंत पहुंच जाएंगे। आज आपदा प्रबंधन की टीम आई हुई थी। हमने यहाँ पे आके ये सीखा है कि वनों को आग से कैसे सुरक्षित किया जाए। अधिकतर आग का जो प्रकोप है वो इसी टाइम में होता है। हमारी पेट में आपदा आई हुई है, उसका प्रबंधन करने जा रहे हैं, उसकी व्यवस्था है। तो आज अमरकंटक के सर्किट हाउस में तरुण जी के भोजन की व्यवस्था है। तरुण जी कैसा लग रहा है, छेना मिल गया आपको? आपका कहा भैया दीजिए हमको। तो भोजन होने के बाद अब हम सब लोग जा रहे हैं। जो आज NDRF का बताया हमें, SDRF का जो ट्रिक उनने बताया, वाह अल्टीमेट, सीखना है और सबको सिखाना है। बहुत काम है अंकल जी। नर्मदे है, आपका कहाँ से आगमन हुआ है? डिंडोरी जिले के गोरखपुर मूल स्थान से। हम लोग जा रहे हैं जंगल में आग बुझाने के लिए। आग बुझाने के लिए नहीं, आग बुझाना है, बुझाना कैसे है उसको देखने के लिए, उसको देखने के लिए। बस निकल रहे हैं, वो संजय जी चले गए। तो अभी हम अमरकंटक के वन विद्यालय पहुंच चुके हैं। वन विद्यालय के अंदर जा रहे हैं, अंदर शायद बहुत दिख होगा या पता नहीं क्या होगा, देखते हैं चल के। ये कैसे लग रहे हैं? Yes, sir. आज वाटिका जो चलो कभी बंद।
तो 23 साल में मुझे आज पहली बार पता चला कि वन विद्यालय के अंदर इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम है और अंदर अलग ही मतलब दुनिया है। कंटक के अंदर ही है, हमें भी पहली बार ही पता चला। भैया आप कहाँ से आए हुए हैं कार्यशाला में? जी मंडला से। अच्छा, मैं रामनगर मंडला से हूँ मैं। अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा है, यहाँ घूमने में भी मजा आ रहा है और कुछ सीखने को भी मिल रहा है। और लिए अभी हम लोग अंदर चलेंगे, एक फोटो होगी, फिर उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो एक यादगार फोटो खिंचवाने के बाद हम सब जा रहे हैं वन विद्यालय का डिपो देखने के लिए। क्लास हुआ प्रत्येक क्लास, और वनों को में अग्नि लगने से जो माइक्रोफ्लोरा को, माइक्रोफाना को और जो सॉयल को। सर थैंक यू बोलो बागवानी साहब। तो उधर पूरन चाचा आग बुता के दिखा रहे हैं, आग को कैसे बुझाना है ये बताया गया। और अब कार्यशाला का दूसरा दिन यहाँ समाप्त हो रहा है, तो अब हम आपसे मिलते हैं कल सीधे नर्वदेहर। तो आज हमारे वर्कशॉप का तीसरा दिन है। चार ग्रुपों में हमारी टोली 29 लोगों की जो टोली है उसको चार ग्रुप में डिवाइड किया। मेरे को नहीं गिन रहा, मैं भी होती। हाँ आप भी है ना, आप भी हैं। नागरिकों से मिलना है, नागरिकों से बात करने की, वन रक्षा कैसी की जा सकती है, उनकी राय लेनी है, एक रिपोर्ट बनानी है। जी इनकी एक रिपोर्ट बनानी है। तो अब हम चलते हैं, हम भी काम ले लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं। कार्यशाला की हम लोग की अब लास्ट क्लास चल रही है, जिसमें हम लोग को बताया जा रहा है कि अगर आग लग जाती है तो उसको विभिन्न उपकरणों के माध्यम से कैसे बुझाना है। जी तो 3 दिन के बाद अब प्रशिक्षण सत्र जो है वो खत्म हो चुका है और अब सबको पेमेंट मिल रही है, मतलब जिसका जितना खर्चा हुआ है यहाँ आने में, इस प्रशिक्षण में जितने लोग आए उन सबका भी राशि दी जाएगी। लोग का भी इस प्रशिक्षण में आने के लिए 4-5 हजार खर्चा हो गया, अभी चल के देखते हैं कितना मिलता है। पैसा ही पैसा हो गया।